चलिए आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनाते हैं। जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। इसीलिए मेरी अपील है, जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं, और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं, वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। औचित्य ये है कि हमें अपनी अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने अभियान के बारे में जानकारी, भाजपा के कई नेताओं की पार्टी में ज्वाइनिंग करवाएंगे ये भी कहा, उनके साथ में अब्दुल्ला आजम मौजूद हैं। फिर से एक बार ले चलते हैं आपको मुद्दे को, हम जनता के बीच में और घर घर जाना चाहते हैं। हमारे प्रत्याशी आज कैसे प्रचार करेंगे जहां इतने नियमों का पालन करना है, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं। हमारी कोशिश है कि जैसे ही पाबंदियां हटें, नियम बदलें, मैं समाजवादी विजय रथ की अनुमति मांगूं और खाली अकेले ही चलना पड़े उसके लिए भी अनुमति मांगूंगा, लेकिन जब तक नियम वही हैं, नियम जब पुराने हैं, जो चुनाव आयोग ने नियम बनाए हैं उनका पालन करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो लोग हैं, अगर 300 यूनिट मुफ्त पाना चाहते हैं तो फॉर्म भरवाएं, अपना नाम लिखवाएं। और नाम इसलिए ज़रूरी है कि जो बिल में नाम आता है, बिल में जो नाम आता है वही नाम ज़रूरी है। तब तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कभी चुनाव नहीं लड़ सकती। अगर इस तरह के PIL किए जाए और भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड PIL हो तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी CM है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। और हमने आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मारपिटाई हुई और वो भी गिने गए, रोक रोक करके TV के लोगों ने दिखाया कि देखिए गिनिए 1, 2, 3, 4। तो इनकी तो पार्टी की मान्यता पहले ही रद्द होने जानी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी पे जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को देख करके क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं ये फैसला लेना चाहिए था? और वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। जिनके पास बिजली का कनेक्शन है, ये बात कनेक्शन की हो रही है, घर पे किराए पे रह रहे उसकी बात नहीं हो रही है। तो अगर आप किराए पे भी रह रहे हो, बिजली का कनेक्शन है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये बिजली का कनेक्शन अगर आपके नाम पर है, जिस बिल को आप भरते हैं बिल के ऊपर जो नाम है वो आप नाम इस फॉर्म में जमा कराइए। कल से समाजवादी पार्टी इस अभियान को शुरू कर रही है। नहीं, मैं पहले इनका सवाल ले रहा हूँ। देखिए, देखिए जो समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं, और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते,
हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उदाहरण दिया कि एक जिलाधिकारी जो रामपुर के थे, वो आउट ऑफ स्टेट से आए थे, उन्हें अपना एक्सटेंशन चाहिए था। उन्होंने सरकार की पूरी मन मर्जी के साथ काम किया और न जाने कितने मुकदमे लगाए रामपुर में। एक आईपीएस, एक दूसरे आईपीएस पर आरोप थे और इस बात का आरोप था, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का आरोप नहीं था, एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पर आरोप लगा रहा था कि पैसे से पोस्टिंग हो रही है, पैसे से ट्रांसफर हुआ है। उस आईपीएस की जांच खत्म करने के लिए रामपुर भेजा गया। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी में, उसी कड़ी में नाई धसन भी आते। आपको क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी के सभी नेता सदस्य यहां बैठे हैं, हमारे बाईं तरफ अब्दुल्ला हैं और उनके बाईं तरफ वो हैं जो यूथ नया हमें समर्थन दे रहे हैं। ये लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी, इनको फंसाने में कांग्रेस बीजेपी